नमस्ते, हम मिलान में एबेटोन 6 से होकर आ रहे हैं। दिन के समय भवन का दरवाजा खुला हो या दरबान मौजूद हो, यदि आप शाम या रात को पहुंचते हैं तो बातचीत करें और हम आपके लिए दूर से ही दरवाजा खोल देंगे। एक बार जब आप भवन में प्रवेश कर लें तो तुरंत बाईं ओर जाएं। लेटर बॉक्स के बाद दूसरा दरवाजा आवास सुविधा का है, जिसे आप एक कोड के माध्यम से एक्सेस करते हैं, जिसे आपको पीएडी में दर्ज करना होगा। कोड प्राप्त करने के लिए आपको इसे पूरा करना होगा सेल्फ चेक इन, यानी आपको अपने आगमन से लगभग एक सप्ताह पहले आरक्षण कराने वाले व्यक्ति और किसी साथी के पहचान पत्र या पासपोर्ट की एक तस्वीर बुकिंग या एयरबीएनबी चैट या व्हाट्सएप में भेजनी होगी और आपको जवाब में प्रवेश कोड प्राप्त होगा। यह चाबियों का सेट, आपके द्वारा हमें भेजे गए फोटो की गोपनीयता रसीद, एक फोटो जो आपके प्रवास के 3 दिन बाद हटा दी जाएगी और वहां पहुंचने के तरीके के बारे में सभी जानकारी के साथ एक डिजिटल दस्तावेज के बराबर है। एक बार जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो 2 कमरे होते हैं, सेंटोनो इकोनॉमी और सेंटोड्यू गार्डन व्यू रूम। दोनों के दरवाजे पर चाबियों का एक गुच्छा लटका हुआ है जिसमें 2 चाबियां हैं, कमरे की चाबी और इमारत के दरवाजे की चाबी। सुनिश्चित करें कि जब आप जाएं तो उन्हें वहीं वापस रख दें जहां आपने उन्हें पाया था। इस पृष्ठ पर आपको सभी स्वागत वीडियो भी मिलेंगे जो बताते हैं कि घर के चारों ओर कैसे घूमना है, और सबसे सामान्य प्रश्नों का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। हम आपको वीडियो पोर्टल www.mi-tu.it पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें मिलान स्मारकों, पूजा स्थलों, डिस्को, पब, वाइनरी, गैलरी, संग्रहालय, दुकानें, पार्क, स्विमिंग पूल, परंपराएं, इतिहास के 1000 से अधिक वीडियो शामिल है। प्रसिद्ध लोग, संगीत, खेल, भ्रमण, भोजन और भी बहुत कुछ जो आपके प्रवास के दौरान आपकी मदद कर सकता है। हम आपके अच्छे प्रवास की कामना करते हैं और हमें चुनने के लिए धन्यवाद। मिलान में फ्लोरिस गेस्ट हाउस के कर्मचारियों की ओर से चुंबन और आलिंगन।